नमस्कार दोस्तों, चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। न्यूज शिक्षकों एवं ईपीएफ के संबंध में पेपर में जो खबर आया है उसका एक विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आज पेपर के खबर के अनुसार जो शिक्षक एवं सरकार के अंशदान के बारे में 1800 और 1950 छपा है उससे बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि 12% जो पूरे वेतन पर कटने पर कटौती ज़्यादा होना चाहिए किंतु यहां अंशदान कम दिखाया गया है के संबंध में कहना है कि ईपीएफओ के अनुसार कर्मचारी के वेतन पर 15,000 रुपये का कैप लगा है, अर्थात आपका सैलरी बेसिक प्लस डीए 15,000 से अधिक है तो 15,000 सैलरी मानकर ही कटौती कर सकेगा। हाँ, अगर नियोक्ता चाहे तो कर्मचारी के फुल वेतन पर ईपीएफ काटने का कह सकता है किंतु वह 15,000 पर ही अंशदान देगा। यहाँ भी नियोक्ता चाहे तो अपना भी अंशदान फुल पेमेंट पर दे सकता है, वह शक्ति नियोक्ता को दिया गया है, बिहार सरकार के ऊपर निर्भर है। खबर के अनुसार बिहार सरकार अपना एवं शिक्षक दोनों पर 15,000 के कैप लगाकर ईपीएफ देने जा रही है, जिसकी गणना इस प्रकार है। 15,000 का 12% यानी कि 1800 रुपये शिक्षक का, 15,000 का 12% 1800 सरकार का, तीसरा है 15,000 का 1% यानी कि 150 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज सरकार का, मतलब शिक्षक अपना अंशदान अपने ईपीएफ खाते में 1800 रुपये देंगे तथा सरकार दो खाते ईपीएफ एवं ईपीएस अपना अंशदान देगा, यानी सरकार का अंशदान कर्मचारी के ईपीएफ खाते में 15,000 का 3.77% यानी कि 485 रुपये तथा कर्मचारी के ईपीएस पेंशन खाते में 15,000 का 8.33% यानी कि 1,315 रुपया डालेगा। इन सब के अलावा सरकार को 1% एक्स्ट्रा चार्ज 150 रुपया ईपीएफओ को चार्जिंग प्रोसेसिंग चार्जिंग प्लस बीमा 0.5% + 0.5% देना होगा, यानी शिक्षकों को 1800 रुपया तथा सरकार को 1950 रुपया देना होगा जो पेपर में छपा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। मेरे साथ बने रहें और भी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।